हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं आज के दिन के दूसरे मैच के बारे में, जो कि चैंपियनशिप का 7वां मैच होगा और ये मैच खेला जाएगा इटली और इंग्लैंड 11 के बीच में। 5 बजे ये मैच स्टार्ट होगा। वेदर की बात करें तो इनका कोई चांस नहीं है। करतमा बल का ग्राउंड आप तो भली भांति जानते हैं। पिच रिपोर्ट देखा जाए तो एक आर्टिफिशियल विकेट है, तो कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एवरेज स्कोर यहाँ पे आपको 100 से 150 के बीच में देखने को मिलेगा। वेनी रिकॉर्ड की बात करें तो 101 मैच यहाँ पे हो गए हैं। बैटिंग फर्स्ट ने 55 मैच जीता, बैटिंग सेकंड ने यहाँ पे 45 मैच विन किया है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों इटली के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो यहाँ से ओपन कर राजमानी सिंधु आमिर शरीफ के साथ, उसके बाद आएंगे बलजीत सिंह। देख सकते हैं राजमानी सिंधु 1 और 17 रन, उसके बाद आमिर शरीफी का देख सकते हैं 17 रन, 27 रन, 0 विकेट। बलजीत सिंह 28 रन, फिर दूसरे मैच में 2 रन 1 विकेट जो डाल के। उसके बाद दोस्तों यहां से देख सकते हैं उमर गुर्जर आएंगे, पहले मैच में 53 रन 1 विकेट, फिर 10 रन 0 विकेट। जैन नकवी पहले मैच खेले नहीं थे, दूसरे मैच में 6 रन की इनिंग खेली थी। और उसके बाद अनिक मोहम्मद आज ने पहले मैच में 1 रन 0 विकेट 1 ओवर डाल के फिर दूसरे मैच में 0 पे आउट हो गए थे। उसके बाद पीयूष फर्नांडो देख सकते हैं पहले मैच में नॉट बैट रहे थे, उसके बाद 31 रन का इनिंग इन्होंने खेला। फिर यहाँ से क्रिश्चियन करूगा मगे देख सकते हैं, इनका पहले मैच में 8 रन 2 विकेट 1 ओवर डाल के, फिर दूसरे मैच में 2 रन 0 विकेट 1 ओवर डाल के इनका रिकॉर्ड है। और हसन अली देख सकते हैं पहले मैच में विकेट लेस रहे थे, दूसरे मैच में विकेट लेस रहे थे। पहले मुझे 2 ओवर की बॉलिंग कराए थे और फिर उसमें 1 रन 1 ओवर की, और अच्छे बॉलर हैं, बाकी विकेट ले सहे थे। जगमीत सिंह देख सकते हैं पहले मैच में 0 विकेट, फिर उसके बाद 3 रन 1 विकेट इनका रहा था। उसके बाद सुजीत रीला गोदरगे पहले मैच में नॉट बैट रहे थे, फिर 7 रन की इनिंग इन्होंने खेली थी। बेंच के जो प्लेयर हैं खेलते हैं तो अपडेट हो जाएगा टेलीग्राम में। और उसके बाद देख सकते हैं सिकंदर अब्बास, अगर ये खेल सकते हैं बेंच के प्लेयर में, अगर खेलते हैं तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे हसन अली बलजीत सिंह, डेथ के ओवर डालेंगे यहाँ से हसन अली आमिर शरीफी। देख लीजिए इंग्लैंड के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो यहाँ से हालांकि इंग्लैंड को आप सोचोगे कि बहुत अच्छी टीम है, लेकिन इतना अच्छा प्रदर्शन मुझे नहीं लगा इनका। पहले ओपन करेंगे हैरिसन वाट, डेन लिंकलोन के साथ, और फिर आएंगे थॉमस विवान। हैरिसन वार काफ़ी तगड़े प्लेयर हैं, और लेकिन इस बार उतना अच्छा खासा इनिंग इनके बल्ले से देखने को नहीं मिला। और डेन लिंकलोन उतना एक हाजिर बैट्समैन है, लेकिन ये भी 12 और 23 रन ही बना पाए अभी तक। थॉमस विवान देख सकते हैं पहले 19, फिर 7 रन की इनिंग खेली। उसके बाद इलियाट कालिस आते हैं, देख सकते हैं पहले मैच में 8, फिर उसके बाद 16 रन की इनिंग। उसके बाद हाँ एंडी रिस्टोन 32 रन और 3 रन 1 विकेट इनको मिला था। टॉम क्रिस्ट किस तरह पहला मैच खेलने से दूसरे मैच में 14 रन। सेम पियर्स पहले मैच में 17 रन 1 विकेट, फिर 1 विकेट 1 1 ओवर डाल के, मतलब 1 ओवर इन्होंने डाला है दोनों मैच में। फिर उसके बाद जफर चौहान देख सकते हैं पहले मैच में 4 रन 0 विकेट, फिर दूसरे मैच में 2 विकेट 2 ओवर डाल के 1 2 ओवर की बॉलिंग आपके लिए करा करके देंगे। और उसके बाद अर्थुर गोडसर पहले मैच में खेले नहीं थे, दूसरे मैच में 2 ओवर कराया, विकेट लेस है। मुंगो रसेल पहले मैच में 2 ओवर करा के 0 विकेट, फिर उसके बाद 1 विकेट लिया 2 ओवर करा के दूसरे मैच में। एलेक्स रसेल देख सकते हैं दोनों मैच में विकेट ले रहे थे, लेकिन T10 के 14 मैच में 19 विकेट इनके हाथ में है, और ये मेन स्पिनर गेंदबाज हैं इस टीम के। और चलिए बात करते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन होंगे आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ से हैरिसन वार इम्पोर्टेंट है, डेन लिंगडन इम्पोर्टेंट है, फिर यहाँ से एंडी स्टोन इम्पोर्टेंट है, फिर दोस्तों यहाँ से सैम पियर्स इम्पोर्टेंट है, और अर्शुल गोडसल भी काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, फिर यहाँ से मुंगो रसेल एलेक्स रसेल आपके लिए इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेंगे। बेंच के जो प्लेयर खेलते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। और स्टार्टिंग के ओवर देख लीजिए अर्शुल गोडसल मुंगो रसेल एलेक्स रसेल आपको डालते हुए दिखेंगे, और डेथ में मुंगो रसेल एंडी रिस्टोन आपको करते हुए दिखेंगे। ये तो रहा स्टेट्स की बात, अब चलते हैं एक डेमो टीम की तरफ। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से दी लिंकलोन को लेना जरूरी है, मैं इनको लूँगा अपनी टीम में,
फिर उसके बाद जैन नकवी को मैं लूँगा, नीचे बैटिंग कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों बलजीत सिंह और राजमानी सिंधु, उमर गुर्जर मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और यहाँ पे आप त्रिवियांग को भी ले सकते हैं। डिफरेंशियल जानता देखिए, एच वार्ड ओपन करते हैं, अच्छा इनिंग, अच्छा इनका रिकॉर्ड है, लेकिन इनका सिलेक्शन 11%, तो आज ये डिफरेंशियल हो सकते हैं, तो इनको आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। याद रखिएगा, एच वार्ड आजकल डिफरेंशियल हो सकते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए तो क्रिश्चियन कालुगमागी, आमिर शरीफी और यहाँ से एरिस्टोन और सेम पियर्स को अपनी टीम में ले रहा हूँ, या फिर सेम पियर्स को ना रख के आप फर्नांडो के साथ भी जा सकते हो। अभी के लिए मैं दोनों में से किसी को नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद जगमीत सिंह इम्पोर्टेंट रहेंगे, और फिर यहाँ से मुंगो रसेल और एच अली, ये इम्पोर्टेंट रहेंगे, हर बार विकेट लेस नहीं रहेंगे, इतना याद रखिएगा। एलेक्स रसेल को भी अपनी टीम में लूँगा। तो ये अभी के लिए मेरा एक डेमो टीम है, जहाँ पे मैंने अपनी कप्तानी यहाँ पे आमिर शरीफी को दी है, और वाइस कप्तानी कालू गमागे को मैंने यहाँ पे दिया है। और ये तो एक डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।